विधायक राहुल सिंह लोधी को सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद सीधे वो खरगापुर निवास पर पहुंची। वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और जनता की समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि अब हमें और मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। साथ ही विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जो गलत बयानबाजी विपक्ष के द्वारा की जा रही है वो झूठी है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। इसके साथ ही राहुल सिंह लोधी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भी उन्होंने कहा और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। चार बार फोन लगाओ नहीं उठाओ भैया, जैसे जो 400 ग्राम। हमने उसे पूरी कंपनी के बारे में बताया था, सारी सारी चीजें जो सही थी वही थी, लेकिन नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुआ था, दूसरा कोई नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, दूसरा नॉमिनेशन। सारे कागज हमने सही तरीके से लगाए थे, कोई कमी नहीं थी हमारी तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने ये सही पाया और हमको तत्काल स्टे दिया। और सभी कार्यकर्ता बहुत 7-8 दिन से बहुत हतोत्साहित थे, तो उन सबको यहाँ आज सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। हमने उसे पूरी कंपनी के बारे में बताया था, सारी सारी चीजें जो सही थी वही थी, लेकिन नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुआ था, दूसरा कोई नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, दूसरा नॉमिनेशन। सारे कागज हमने सही तरीके से लगाए थे, कोई कमी नहीं थी हमारी तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने ये सही पाया और हमको तत्काल स्टे दिया। और सभी कार्यकर्ता बहुत 7-8 दिन से बहुत हतोत्साहित थे, तो उन सबको यहाँ आज सब लोग यहाँ एकत्रित हुए।